इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। परछाई अगर छाने ले, भक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले, सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। तुम्हारा रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है, रोम रोम इतना कर्ज कि तुम अपने आप को बेच कर भी वो कर्ज चुका नहीं सकते। एक एक सांस तुम्हारी दूरी बने हुई है और मैं सुन रहा एक एक सांस तुम्हारी दूरी बने हुई है। तुम्हारी परेशानियों से सिर्फ एक चीज छुटकारा दिला सकती है, वो है मौत। तुम्हारी मौत बॉस, मरने का इरादा है क्या? अगर वो गाड़ी उड़ा के निकल जाता ना तो तेरा इधर का इधर ही गेम बच जाता था। क्या क्या फर्क पड़ता है दोस्त? वैसे भी जिंदगी में जीने के लिए बचा ही क्या है? I am finished. अभी तुम्हारा वही चोने वाला था, फिनिश। बापू ने तुम्हारा जान बचा रहा है बाप। क्या बचाया? क्या बचाया? किसने बोला था बचाने का? मैंने बोला था? लगता है जास्ती हो गया है बाप। ठीक है बॉस, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम बिंदास मैं गाड़ी के नीचे आ जाना, अपुन बचाने के वास्ते नहीं आएगा क्या? प्रॉमिस, एकदम प्रॉमिस बाप। नहीं बचाने का, नहीं बचाने का। अभी अपुन तुमको तुम्हारे घर पे छोड़ता है, चलो। घर बाबा, किधर रहता है, किधर रहता है तू? किधर रहता, किधर है? किधर रहता? हाँ
जा, दिखाता हूँ तुझे किधर रहता है। चल चल बाप, चल बाप, चल 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 चल, आराम से चल। चल Oh my God, क्या हुआ? संभाल गया। Nothing serious, Andy. Yes, boss. बस मौत इनके बाजू में से इनका नाम पता पूछकर निकल गई बात। अगर अपुन वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचता ना, तो इनका एड्रेस ही चेंज हो जाता। क्या? Really? क्यों बॉस? नहीं यार। बोला ना? नहीं। वो क्या है वो केक का बस? आप मामूली सा एक्सीडेंट होते होते रह गया बस। हुआ नहीं। इसलिए मामूली लगता है बॉस। हो जाता तो मालूम पड़ता। वैसे तो अपने को एक्सीडेंट में भी लोचा लग रहा है बाप। बीच सड़क में गाड़ी ने तुमको देखकर रोका क्यों नहीं? क्यों? तुम्हारा मतलब है वो गाड़ी वाला अरविंद को जानबूझकर उड़ाना चाहता था? नहीं आंटी, गलती मेरी थी। मेरी थी गलती। वैसे भी आंटी, किसी का भी मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुम नहीं जानते बेटा, कई बार वो लोग भी जान लेने पर उतर आते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता। क्या फर्क पड़ता है आंटी, अब जिंदगी में इस जान के सिवा बचा भी क्या है? क्या बात कर रहे है बॉस, अगर अपुन जैसा आदमी ऐसा बोलेगा तो समझ में भी आता है। तुम्हारे पास तो शानदार बंगला है। बंगला बोले तो महल है बाप, महल। अपने पास छोटा सा फ्लैट है, वो भी भाड़े का। महल है? महल? ये महल देख रहे हो ना? महल, इसकी एक एक ईंट गिरवी पड़ी है, एक एक ईंट। राइट आंटी? कभी कभी मैं भी बहुत बड़ी हस्ती हुआ करता था, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरविंद चोपड़ा।
हाँ ड्राइवर को। हाँ ड्राइवर को। करण द डिटेक्टिव। अच्छा दोबारा उसे देखोगे तो पहचान लोगे? मालिक कुछ फेस ऐसा बनाता है मैडम जिसको भूलना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर तो तुम्हें पुलिस के पास चले जाना चाहिए था ना। वो मिस्टेक हो गया। बोले तो अभी चले जाओ। वैसे आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं मैडम, आप कौन है? ये अरविंद की वाइफ है नीलाक्षी। हाय जैकी, आपको पहले कहीं देखेला है लगता है। बोले तो बहुत पहले। मैं पहले फिल्मों में काम किया करती थी। तुमने मुझे अरविंद की फिल्म में देखा होगा, बेवफा सनम। और उसमें तो हीरोइन। मैं हीरोइन नहीं थी, उसमें मैंने छोटा सा रोल प्ले किया था। एनीवेज अरविंद की जान बचाने के लिए शुक्रिया। चली गई आंटी, अपन भी निकलता है। गाड़ी के ड्राइवर को दोनों देखा था। गाड़ी के ड्राइवर को दोनों देखा था। तमाशा है ये जिंदगी। अरे आप क्या नाम है? अरे नीलू, ए नीलू भाई थोड़ा गर्म पानी दो भाई, इस हैंगओवर के मारे तो। ए नीलू फिर सुबह सुबह शुरू हो गए, तो क्यों अपनी जान लेने के पीछे तुले हुए हो? शट अप, जस्ट शट अप, लेक्चर मत दो मुझे, जा गरम पानी लाओ, जा। हेलो। हेलो कौन? पहचान अपन वाइच, जिसके सीने में तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के साथ एक छोटा सा राज अटकेला है। जैकी। क्यों फोन किया? बोलो, क्या काम है? रात भर तुम्हारा इच फेस आंखों के सामने घूमता रहा, नींदिच नहीं आई। सोचा शायद तुमसे मिलके दिल को सुकून और आत्मा को चैन आ जाए। मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इंसान को कुछ काम बिना इंटरेस्ट के करना पड़ता है मैडम। मिल लो, मिलने में कोई नुकसान नहीं है, शायद फायदा ही हो जाए दोनों का। मैंने कहा ना, शाम को 7:30 लवर्स पॉइंट मड आइलैंड। अपन वेट करेगा। ए, किसका फोन है? हैं? किसी खास दोस्त का। करण, द डिटेक्टिव।
धोखा, अरे बेवफाई देकर सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए? क्यों क्यों जैकी, 2 ही करोड़ रुपए ना? तुम दोनों एक ना एक दिन मुझे मार ही डालोगे, और वैसे ही मारोगे कि तुम्हें इंश्योरेंस के वो 2 करोड़ रुपए हासिल हो जाए। और वैसे भी तुम्हारी बेवफाई के बाद अब कौन कमबख्त जीना चाहता है? इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। क्यों परेशान हो गई? ये सोच कर ना कि मेरी खुदकुशी के बाद बीमा कंपनी तुम्हें वो इंश्योरेंस का पैसा कभी नहीं देगी, है ना? सही सोचा तुमने नीलू, वो तुम्हें कभी नहीं देगी, और यही तुम्हारी सजा है नीलाक्षी। यस, यही सजा है तुम्हारी। जिस पैसे के लिए तुम दोनों मेरी जान लेना चाहते हो, वो पैसा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तुम्हें वो 2 करोड़ रुपए कभी नहीं मिलेंगे। बाय नीलाक्षी, आई लव यू, आई लव यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। यह सवाल अहम नहीं है, सवाल यह है कि क्या ये लोग मेरे होते हुए लाश को ठिकाने लगा पाएंगे? क्या ये लोग इंश्योरेंस का पैसा कलेक्ट कर पाएंगे, या फिर अरविंद चोपड़ा अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? हमेशा की तरह आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.